गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, बोल के ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, हेडिंग है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, यानी भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। ठीक है, ये क्वेश्चन का हेडिंग है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे विशेष संख्याओं में भाग देने पर वह भागफल प्राप्त हो, वह एक परिपूर्ण घन हो और उसका घनमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यानी वर्ग संख्या दिया गया, इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे 1, 2, 3, 4 और 5 क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देगा यहाँ, ठीक है। एक नंबर लिखा गया 256, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो क्या करना है, तो खंडित करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए इसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे जोड़ेंगे क्या ही 6 है, क्या के स्थान पर 6 क्या था, 6 का सम संख्या है, इसलिए इसको 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 1 बचे 16, 2 अठे 16, यानी 2 से 2 6 12, 2 6 8, 2 से 2 6 और 2 दुगुनी 4, 2 से 16 दुगुनी 32, 2 से 2 अठे 16, 2 से 2 6 8, 2 से 2 दुगुनी 4 और 2 से 2 एकम 2, यानी अंतिम है। अब इसको लिखा गया, सजाएंगे इसको। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे कि 2 कितने बार आया है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 2 आपको 8 बार आया है गुणा करने में। इसका लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 बार आया जो है वो गुणा रूप में श्रमित लिए हैं। अब क्या है, ये घन है। ठीक है, घन का क्या होता है, क्यूब। तो घन में हम 3 अंक को 1 पेयर बनाते हैं। ठीक है, यानी 3 डिजिट को लेकर हम 1 पेयर बनाते हैं, यानी 1 जोड़ा बनाते हैं। इस प्रकार एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, ये आपको बताइए जोड़ा क्लियर है। अब आपको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 यानी 1 2 और आवश्यकता है पूर्ण घन होने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ से, यहाँ पे 1 और 2 की आवश्यकता है, तब जाकर यह पूर्ण संख्या सॉरी संख्या जो होगी पूर्ण घन संख्या होगी। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर। अब यहाँ ध्यान देना है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जो जो जोड़ा में नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या संख्या यही वह छोटी संख्या होगी जिससे इसमें भाग देने पर, ठीक है, जो भागफल मिलेगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। क्या लिखेंगे, संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे, क्या बच रहा है, बच रहा है 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर जी 2 गुणे 4, 4 क्या आपका, तो 4 वह छोटी छोटी संख्या है जिससे इस संख्या से मूल अंक भाग देने पर जो भाग प्राप्त होगा वह एक परिपूर्ण घन होगा। जैसे देखते हैं, हमारे संख्या दिया 256,
ठीक है। और क्या बता क्वेश्चन संख्या चार, भाग दीजिए कि जो भाग रहा है वह पूर्ण वर्ण है कि नहीं, भाग रहे कितना कितना छठे 24, एक बचेगा हो जाएगा 16, चार चौके 16, कितना गया जी 64, 64 क्या है 4 का घन, ठीक है, और 4 क्या है 64 का घनमूल है। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, आपके यहाँ प्राप्त हो गया छोटे से छोटे संख्या प्राप्त हो गया, और पूछा है कि घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे जी, चार संख्या है और ऐसे भाग रहा है कितना रहा कि आपको मिल रहा है, आपको संख्या को मिल रहा है कितना, संख्या मिल रहा है 64 क्या है एक मूल घन संख्या है, और उसे घनमूल कितना है जी 4, ठीक है। लिखेंगे घनमूल संख्या बराबर क्या भाई, ये भी अपना 4 ही होगा, क्यों 4 होगा, क्योंकि जो संख्या का मिला है 64 उसका घन कितना होता है 4 होता है, और ये 4 लिखा है 4 ये घन है 64 और 4 क्या इसका घनमूल है। नया आंसर है यहाँ पे क्या लेगा 4 कमा 4 का आंसर होगा, जो फर्स्ट आपका 4 है ये आपका छोटी संख्या है और सेकंड का बच्चे 4 है, ये क्या है जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसका घनमूल है, क्लियर है। चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2125 यानी 3125, सेकंड क्वेश्चन है 2125 यानी 3125, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे जी, इसको भी पहले आधार पूर्वक हम तोड़ेंगे छोटे छोटे अंकों से, इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और यहाँ ध्यान देना है इसकी इकाई संख्या आएगी, इकाई संख्या आपका विषम संख्या, ठीक है, ये दो समय कटेगा, ठीक है। आपको मालूम है जब भी इकाई अंक पर कोई विषम संख्या आ जाए तो दो से पूरा पूरा इकाई कटेगा, अब देखेंगे कि मान लीजिए विषम है सब स्तम है तो क्या करेंगे शायद ये क्या पाँच आएगी, पाँच का विषम है तो यह कटाई किससे, यह कटाई की 5 से कटेगा, 5 6 30, एक बचा हो गया 12, 5 2 10, फिर दो बचे से यह क्या हो जाएगा 25 6 50 25, फिर कटाएंगे 5 से 5 6 5, 5 2 10 50 25, फिर कटेगा 5 से 5 2 10, दो बचेगा होगा 25 50 25, फिर आगे 5 से 50 25, फिर 5 से 5 5, क्लियर है। अब इसको भी लिखेंगे गुणा के रूप में, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है, यानी 5 अखबार आए 5 बार, इसको भी जोड़ लगाएंगे, ये जोड़ा, अब यहाँ भी आपका 2 5 बच जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको 1 और 5 चाहिए पूर्ण घन होने के लिए, यहाँ भी लिखेंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या बराबर, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या बराबर क्या होगा जी, बच रहा है 5 गुणे 5, कितना जाएगा 50 25, 25 का क्या है 25 का वह छोटी छोटी संख्या है जिससे इस संख्या का भाग देने पर जो भाग प्राप्त होगा वह एक परिपूर्ण घन संख्या होगा, क्लियर है। इसको मैं देखते हैं भाग देकर के यह जो भाग है वह परिपूर्ण घन है या नहीं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 2125, ठीक है, और संख्या क्या मिला है, तो संख्या मिला है 25, अब हम इसे भाग देंगे तो कटेगा 25 से 25, यहाँ बचेगा फिर 6 बचेगा 62 दूरी 50 बचेगा 12 बचेगा 125, ठीक है, इसको हम भाग देंगे यानी 2125 में हम भाग देंगे 25 से, जो भागवत प्राप्त होगा वो कितना बनी, वो आएगा 125,
अब इस समय क्या है, इस समय से पूर्ण घन संख्या है और क्या है इसका घन कितना होता है, इसका घनमूल 5 होता है। ठीक है, क्या है इसका परिसर घनमूल 5 होता है। अब इस समय क्या है, 5 का घन संख्या है यानी 5 का घन है 125 और 5 का इस समय इसका घनमूल है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वह घनमूल संख्या बराबर क्या लिखा गया, वह घनमूल है वह घनमूल संख्या बराबर क्या लिखेंगे 5। क्यों 5 आ रहा जी, अभी हमने बताया भाग लेकर के तो कितना इसका आया था भाग कम भाग का 125, क्योंकि तो इसका आया जी 5 का घन है और 5 क्या है इसका घनमूल है। क्या कहते हैं इस प्रकार, और क्या गया 25 ठीक है कमा 5 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता दिए हमने, आप लोग समझ भी लिए हैं। अब बस है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए होमवर्क रूप में छोड़ रहे हैं और इन तीनों क्वेश्चन से सेम ऐसे ही हल करना है। पहले इसको थोड़े छोटे नंबर से कटाइए, उसको फिर पुनः रूप में सजाइए और फिर उसके बाद उसको जोड़ लगाइए, जो शेष संख्या बच रहा है वही बस छोटी छोटी संख्या हुई जिससे भाग लेने पर जो भाग पलाएगा वो एक घन संख्या होगा। क्लियर है, तो तीनों क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का पसंद कीजिएगा। फिर अभी लिखते हैं अगले बजे में, तब तक लिए धन्यवाद।